हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आपके एग्ज़ाम बहुत करीब आने वाले हैं, आ ही रहे हैं। आपके एग्ज़ाम बहुत करीब आ गए हैं और आई थिंक आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी, तैयारी आपकी अच्छी होगी। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है उसमें हम आपको बताएंगे कि आपको OMR सीट कैसे भरनी है। देखिए, ये सिर्फ ENIS के लिए ही नहीं है, कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जो ऑफलाइन मोड पे होते हैं वो एग्ज़ाम्स OMR सीट के थ्रू ही होते हैं। तो ये सभी के लिए वीडियो है और जो अपना कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स देते हैं OMR सीट के थ्रू एग्ज़ाम्स देते हैं उनके लिए है। तो चलिए, हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप OMR सीट कैसे भरेंगे, कैसे फिल करेंगे एग्ज़ामिनेशन हॉल में। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो हमने बनाया है वो बोर्ड पे बनाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन होता है उसको ज़रूर आप क्लिक करिएगा। जब आप उसको क्लिक करेंगे तभी आपको जो न्यू नोटिफिकेशन है, जो भी मैं वीडियो डालूंगी उसकी अपडेट आपको तुरंत मिल जाएगी। चलिए, आइए फिर देख लेते हैं वीडियो। एनरोलमेंट नंबर दिया हुआ है, कोड नंबर आपको सेम ऐसे ही सीट मिलेगी जैसे यहाँ पे है, ठीक है ना? कि इनरोलमेंट नंबर है, कोड नंबर है, एग्ज़ाम सेंटर कोड यहाँ पे है। तो देखिए, हम सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं इनरोलमेंट नंबर से। इनरोलमेंट नंबर है, यहाँ पे ऐसे बॉक्स दिए रहेंगे, नीचे आपको ये इस तरह की चीज़ें दी रहेंगी, इसमें 1 2 3 नंबर इसमें लिखे रहेंगे। तो देखिए, आपका इनरोलमेंट नंबर जो है यहाँ पर लिखना है। जैसे सपोज दैट मैं मान लेती हूँ आपका इनरोलमेंट नंबर है 9 5 6 2 3 4 7 1। इससे ज़्यादा डिजिट का भी हो सकता है तो कोई बात नहीं आपको, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा डिजिट का आपका एनरोलमेंट नंबर है तो ब्लॉक भी इसमें बढ़े रहेंगे। दैट एग्जांपल के लिए, एक एग्जांपल के लिए मैं ये चीज़ आपको बता रही हूँ, ठीक है? तो हाँ फ्रेंड्स, सॉरी, देखिए यहाँ पे तो हमने 9 नंबर लिया नहीं, 8 तक लिया है आपको बताने के लिए। तो इसको 9 को हम डिलीट करके यहाँ पे 8 लिख देते हैं, ठीक है ना? अब इसको हमें इसमें कैसे फिल करना है, कैसे भरना है। देखिए, कोई भी आपके एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो आपके NIS के एग्ज़ाम्स हो, जो भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स हो, सबका पैटर्न एक ही होता है यदि ऑफलाइन मोड OMR सीट पे क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पे 8 दिया हुआ है तो अब आपको क्या करना है, आपको इसी कॉलम के नीचे जो डिजिट दी हुई है उनके नीचे आना है। अब ढूंढिए इस कॉलम के नीचे 8 कहाँ पे है, ये देखिए 8 यहाँ पे है, ठीक है ना? तो इसे क्या करना है, इसे हमें सर्कल कर देना है। जिस भी आप इंस्ट्रक्शन पढ़िएगा उसमें दिया हुआ होगा निर्देश, किससे करना है, पेन से, पेंसिल से, जिससे भी दिया है उससे बिल्कुल नॉट सुटेबल, परफेक्ट करना है, बाहर कहीं भी निकला हुआ नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, 5 है। तो अब हम ढूंढते हैं 5 के लाइन में नीचे कहाँ पे 5 मिल रहा है। तो 1 2 3 4, ये देखिए 5 है, इसको हमें सर्कल कर देना है, ठीक है ना? इसको भी परफेक्ट उसी की तरह से करना है, बाहर जो ये सर्कल बने हुए इसके बाहर आपका पेन पेंसिल नहीं चलना चाहिए, सिर्फ इसके अंदर, और परफेक्ट, ठीक है ना? मैं भी ऐसे कर दे रही हूँ एज एग्जाम्पल के लिए आपको, बहुत परफेक्ट एक मैं आपको करके चलिए बता देती हूँ कि बिल्कुल भी यहाँ पर कहीं भी जगह नहीं खाली होनी चाहिए और गहरे डार्क कलर में आपको इसको करना है, ठीक है ना? क्योंकि मार्कर है तो इतना नहीं होगा, वो मिटता ही जाएगा, जब आप पेंसिल पेन से करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट होगा वो। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब 6 है तो अब आप इसके नीचे ही लाइन पे आइए और देखिए 6 यहाँ पे आ रहा है, तो इसको भी आपको ऐसे ही सर्कल को फिल कर देना है, भर देना है, ठीक है ना? पूरे सर्कल को। इसी तरह से 2 को देख लेते हैं, नीचे आइए, 2 यहाँ पे है तो इसको हमें क्या करना है, फिल कर देना है। एक बात याद रखिएगा, रिमेंबर रखिएगा कि आप देख रहे हैं 0 वाली लाइन में सभी में 0 8 तक है, 1 वाले नंबर में सभी में 1 है, 2 वाले में सभी में 2 है, लेकिन आपको भरना सिर्फ उसी को है जो आपके नीचे इस कॉलम के नीचे आ रहा है। जैसे 2, अब इस कॉलम के नीचे ये 2 आ रहा है तो इसे आपको भरना है, इनसे इनसे आपका कोई मतलब नहीं है। ऐसे 3 को देख लेते हैं, 3 यहाँ पे आ रहा है और इसके नीचे ये वाला 3 आ रहा है तो इसको कर देना है, ठीक है ना? बहुत ईजी है। ऐसे 4 को देख लेते हैं, 4 यहाँ पे आ रहा है तो इसको आपको पूरा सर्कल कर देना, अच्छे से परफेक्ट करना है, गलत मत करिएगा, वरना अगर एनरोलमेंट नंबर जो मशीन है वो सर्च नहीं कर पाएगी आपने गलत कर दिया है तो आपके रिजल्ट में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। फिर 7 देख लेते हैं, 4 भी हो गया, 7 में आते हैं और ये देखिए 7 है, 7 को भी हमने क्या कर दिया, सर्कल कर दिया, ओके।
फिर वन है तो वन देखिए जस्ट यहीं पे आपको मिल जाएगा, तो उसी के नीचे वाले वन को हमें सर्कल कर देना है। फ्रेंड्स इसी तरह से आपके जितने भी एनरोलमेंट नंबर हैं आपको ऐसे ही फिल करने हैं, ओके। यानी अगर एट है तो एट के नीचे आप आइए, जहाँ पे एट दिया हुआ है वहाँ पे आपको फिल करना है। फाइव है, फाइव के नीचे, उसी के नीचे वाले को, ना तो इधर वाले को ना ही इधर वाले को। एनरोलमेंट नंबर आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं आपका सेकंड कोड नंबर, प्रोसेस सेम है। एज एग्जांपल हम ले लेते हैं, आपका कोड नंबर 503, ओके। चलिए देखते हैं, तो जैसे यहाँ पे लिख दीजिए 503, ओके। अब इसे हमें क्या करना है, फिल करना है यहाँ पे। तो आप देखिए 55 के नीचे आइए, ये देखिए यहाँ 5 है, इस 5 को आपको बिल्कुल अच्छे से ब्लैक कलर से इसको भरना है। मैं हर बार आपको यही बता रही हूँ कि इसको बहुत अच्छे से प्रॉपरली ढंग से भरना है, डार्क कर देना है। फिर 0 है, अब 0 के नीचे जस्ट यहाँ पे 0 मिल गया तो इसको हमें कर देना है। इसी तरह से 3 है, 3 के नीचे आइए, देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे 3 है, इसको हमें क्या करना है, फिल कर देना है, ठीक है, भर देना है अच्छे से। तो ये हो गया कोड नंबर आपका। जो तो फ्रेंड्स जो आपका सब्जेक्ट कोड नंबर है वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। ने कोड नंबर लिखा है 5 फर्स्ट है तो आपको यहाँ पे 5 को फिल करना है, ये 0 है तो 0 को करना है यहाँ पे, 3 है तो 3 को यहाँ पे करना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आपका एग्जामिनेशन सेंटर कोड, थोड़ा सा जगह स्पेस की कमी थी तो हमने लिख दिया एग्जामिनेशन सेंटर कोड है आपका, ठीक है ना, जो कि आपके इसमें रहेगा फिल करने को। मान लीजिए आपका एग्जामिनेशन सेंटर कोड होता है, एज एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ आपका 04 5 3 2 6, ये आपका एग्जामिनेशन सेंटर कोड हो गया है। इसको भी सेम वैसे ही भरना है, यानी 0 है तो 0 नीचे देखिए यहाँ पे 0 दिया है, इसको हमने कर दिया पूरा फिल कर दिया। 4 है, 4 के नीचे, सिर्फ नीचे वाली लेना है, अगल बगल से कोई मतलब नहीं है, 4 के नीचे वाली कॉलम में आइए, यहाँ पे 4 है, इसको हमें क्या करना है, भर देना। बस आपको अपने माइंड में इतना रखना है, जो डिजिट जहाँ पे लिखी है उसके नीचे वाली रो में आना है। 5, हमने 5 को यहाँ पे ये फिल कर दिया, ओके। ऐसे ही 3 है तो 3 हमारा यहाँ पे है, हमने इसको फिल कर दिया, ओके। मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि डबल डिजिट हो जाती हैं, मान लीजिए यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे भी 3 है, तब आप क्या करेंगे, डबल डिजिट हो गई, एक ही डिजिट दो बार आ गई, तब भी आपको वही करना है, इस कॉलम के नीचे जो 3 है, इसीलिए एक नंबर को बार बार रिपीट किया जाता है, इस कॉलम के नीचे ये 3 है तो इसको भी आपको सर्कल कर देना है, ठीक है ना। अब कोई डाउट नहीं रहेगा ना, डबल डिजिट में अगर दो डिजिट एक तरह की आ गई, यहाँ पे भी आ गई, कहीं पे भी आ गई, तो आपको वही करना है जो यहाँ पे किया है, इस कॉलम के नीचे जो 3 है उसको सर्कल करना है और इस कॉलम के नीचे जो लिखा है उसको सर्कल करना। बस अपने माइंड में रखिएगा कि जो आपने यहाँ पे डिजिट लिखी है उसके नीचे वाली उसी डिजिट को सर्कल कर देना है, और कुछ मत माइंड में रखिए, ठीक है ना। 6 तो यहाँ पे है, हमने इसको क्या कर दिया, सर्कल कर दिया, ओके। तो फ्रेंड्स आपने देखा अभी हमने एनरोलमेंट नंबर और कोड नंबर सेंटर कोड पढ़ा, अब हम आगे देखेंगे ईयर मंथ कैसे आपको लिखना है, देन नेम, क्योंकि आपका नेम भी जो है आपको ऐसे ही फिल करना होगा। तो चलिए आइए इसे देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब ले लेते हैं नेक्स्ट, हमारा जो स्टेप है वो आपको बताना है स्टूडेंट नेम, ठीक है ना। स्टूडेंट नेम भी इसी तरह अकॉर्डिंग इसी अल्फ़ाबेट में रहता है, आपको फिल करना होता है OMR शीट में। तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट नेम में यहाँ पे अपना नाम लिखना होगा। सपोज़ दैट मैं अपना नाम यहाँ पे लिख देती हूँ और आपको समझा देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले अपना नाम लिखिए, जैसे ARTIRT हो गया, ये नाम हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक बात रिमेम्बर रखिएगा कि अब जब आप सर नेम लिखते हैं तो सर नेम और नेम के बीच में जो ये ब्लॉक है ये आपका खाली रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, आपका नेम जहाँ पे भी ख़त्म होगा उसके बाद वन ब्लॉक आपको खाली रखना है, देन उसके बाद आपको अपना सरनेम लिख देना है, ठीक है। जैसे BERMA, ओके, वर्मा। अब इसको हमें फिल कैसे करना है, कैसे इसमें भरना है, तो इम्पॉर्टेंट बात सबसे पहले कि ऑलवेज नेम लिखने के बाद जब आप सरनेम लिखेंगे तो बीच में वन ब्लॉक आप खाली रखेंगे इसकी तरह, ठीक है ना, फिर आपको सरनेम लिख देना है।
अब जैसे यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट क्या है, अब जैसे देखिए ये आपका ए है, फर्स्ट वर्ड ए है अल्फ़ाबेट में। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअली मैंने अपने नेम के अकॉर्डिंग ये पूरा लिया है, नेम के अकॉर्डिंग लिखा है। आपको यहाँ पे ए से लेके जेड तक का रहेगा उसमें, और ओ एम आर शीट में ए बी सी डी ई एफ जी एच जेड तक पूरा रहेगा, क्योंकि नाम है, नाम लिखना है तो जेड तक रहेगा। मैंने सिर्फ अपने नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर लेके रखा है। अब मैं आपको बता दूँ, अगर ए लेते हैं, फर्स्ट लेते हैं अल्फ़ाबेट ए आ रहा है, तो ए हमारा स्टार्टिंग में ही देखिए मिल रहा है, तो इसको हमें क्या करना है, फिल कर देना है डार्ट गहरे उससे पेन से आपको इस तरह भर देना है पूरा। फिर नेक्स्ट क्या है, आर है, तो अब यहाँ पे आर में आपको आना है। देखिए आर यहाँ पे है, लेकिन आपको यहाँ पे देखना है कहाँ आर है। अब आर जैसे यहाँ पे आ रहा है, लेकिन रो देखिएगा, मैंने कहा था कि सबका सिस्टम एक ही है, आर आपका यहाँ पे आ रहा है, तो इसको लेके ऐसे नीचे आइए और देखिए ये आर वाला मिल रहा है, तो इसमें फिल करना है जिस कालम के नीचे ये आर है, और देखिए जिस कालम के नीचे ये आर है, तो इसमें आपको भरना है, ना कि इस वाले में कि स्टार्टिंग यहाँ पे आर शुरू हो रही तो आप यहाँ पे भर दें, बिल्कुल नहीं, जहाँ पे ये आर है उसके नीचे ही आपको इसको भरना है। इसी तरह से देख लीजिए टी का देख लेते हैं, तो टी जैसे अब देखते हैं टी कहाँ पे, यहाँ पे आ रहा है, इसके पहले दो हैं उनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस कालम के नीचे ये टी पड़ रहा है, तो हमें इसको ऐसे पूरा भर देना है। भरना किस तरह हमने आपको बता दिया है। आई का देख लेते हैं फ्रेंड्स, देखिए आई है, अब आई का लेके आते हैं, ये यहाँ पे आई है, तो देखिए हमें इसको ऐसे कर देना है उसी कालम के नीचे जो आई आ रहा है, ठीक है ना। ये कॉलम ब्लैंक खाली रहेगा। अब यहाँ भी है, तो भी के नीचे आते हैं, और भी यहाँ पे मिल रहा है, तो इसी के नीचे वाला जो भी आ रहा है उसको हमें पूरा भर देना है, ठीक है। अब इसी तरह ई देख लेते हैं, तो ई देखिए ये आ रहा है आपका, तो इस ई को हमें पूरा भर देना। इसमें सर्कल रहेगा, सिर्फ सर्कल के अंदर आपको भरना होगा, जैसे पिछली बार हमने बताया था एनरोलमेंट नंबर में, टाइम थोड़ा लगता बनाने में, और आपके लिए अदर वीडियो भी बनाने हैं, जिसमें मैंने इसको सर्कल नहीं किया, इस तरह के डायग्राम में रहेंगे सर्कल के अंदर, तो आपको इसमें अगर रहेगा तो ऐसे कर देना है। आर देख लेते हैं, तो आर देखिए फिर आ रहा है यहाँ पे, एक आर हमारा आरती में आया था, तो हमने यहाँ पे फिल किया, क्योंकि ये जिसके जस्ट इसके नीचे था, और एक आर देखिए इसमें आ रहा है बर्मा में, तो हम इस वाले आर को फिल करेंगे जो इसके नीचे आ रहा है, ठीक है ना, इस आर के नीचे आ रहा है। इसी तरह से देखिए यम है, यम कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो हम इसको फिल करेंगे, हम इसको फिल करेंगे, ठीक है ना। फिर इसी तरह से देखिए ये ए है, तो हम नीचे आते हैं, ए यहीं पे पड़ रहा है, तो हम इसको कर देंगे। तो इसमें क्या रिमेम्बर रखना है, इसमें रिमेम्बर ये रखना है फ्रेंड्स कि आप जब नाम लिखेंगे तो अपने नेम के बाद वन ब्लॉक आपको छोड़ना है, फिर सरनेम लिखना है, और प्रोसेसिंग वही होगी, आपकी प्रोसेस वही रखना है जो आपने एनरोलमेंट नंबर में रखा था, कि जो जिस कॉलम में आ रहा है उसी के नीचे करना है। मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे डबल आर डबल ए अगर आता है, कहीं पे डबल वर्ड आपके आते हैं, तो क्या करना है, वही करना है, इस ए के नीचे ये ए आ रहा है, इसको आपने कर दिया, इस ए के नीचे ये वाला ए आ रहा है, इसीलिए तो ये इस तरह फॉर्मेट में दिए जाते हैं, तो फिर इस वाले ए को आपको कर देना है, ठीक है। आई थिंक जितना समझ में आपके आ गया होगा, तो फ्रेंड्स इस तरह की आपकी आंसर शीट रहेगी। आप देख लीजिए, जैसे मैंने बताया था एनरोलमेंट नंबर, तो यहाँ पे आपको एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे भरना होगा आपको, ठीक है, यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर भरना होगा, देन इनको उसके अकॉर्डिंग फिल करना होगा। कोर्स कोड जो आपका है, ठीक है ना, सब्जेक्ट कोड जो होगा यहाँ पे लिखना होगा, फिर इसको फिल करना होगा। ऐसे ही एग्जामिनेशन सेंटर कोड जो है यहाँ पे लिखना होगा, कोड जो है फिर उसके अकॉर्डिंग इसको फिल करना होगा, वो पहले आप वीडियो देख आए हैं। मैं एक चीज़ रह गई थी, वो था आपका मंथ एंड ईयर, मैं उसमें बताना आपको भूल गई थी, तो चलिए आइए जल्दी से मैं इसमें आपको बता देती हूँ कि इसको कैसे करना है। सेम उसी प्रोसेस से करना है। इसमें एक्चुअली क्या करना है, मंथ है, मंथ में आप ये याद रखिएगा, इसमें भी रिमेम्बर रखिएगा कि यदि वन डिजिट का है, यानी नाइन्थ मंथ तक का, सितंबर तक का है, तो वन डिजिट में आ रहा है, और तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जीरो, जैसे आपका मान लीजिए सेवन लिखना है जुलाई, तो जीरो, और मान लीजिए आपको जुलाई लिखना है, तो ये आपका सेवन हो गया, ठीक है। तो जब वन डिजिट का आप मंथ लिखेंगे, तो पहले आपको यहाँ पे जीरो लिखना ज़रूरी है, फिर इसके बाद इसको आप सर्कल कर दीजिए जीरो को, और देन इसके बाद आप जो सेवन है यहाँ पे इसको सर्कल कर दीजिए, ठीक है, ये आपका मंथ का हो गया। और इसके अपोजिट दूसरा भी एक ऑप्शन हो सकता है, मान लीजिए अगर दो नंबर का है तो क्या करना है, टू डिजिट में मान लीजिए अक्टूबर मंथ है, तो आपको यहाँ पे वन लिखना होगा, देन यहाँ पे आपको जीरो लिखना होगा, वन यहाँ जीरो यहाँ लिखना होगा, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो इसके अकॉर्डिंग जो आपका वन है वो इसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है, और इसके बाद जीरो जो है यहाँ पे कर देना है। फिल करने का पैटर्न सबका एक ही रहेगा, बस थोड़ा सा इन चीजों को लिखने में आपको
आपको याद रखना होगा कि अगर नेम है तो बीच में स्पेस छोड़ना होगा, सरनेम नेम के बीच में। मंथ में यदि सिंगल डिजिट का है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे जीरो लिखना होगा और देन यहाँ पे वन लिखना होगा, जो भी आपका मंथ है 1, 2, 3, 4 यानी जनवरी फरवरी मार्च के अकॉर्डिंग। और अगर ईयर की अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो चलिए ईयर देख लेते हैं। तो ईयर मान लीजिए आपको 2017 का एग्जाम 18 का आप दे रहे हैं, तो 2, 0, 1 और 7 लिख दीजिए, ठीक है। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो 2, 0, 1, 7। अब इसको सेम वैसे ही फिल करना है, 2 का है तो यहाँ पे आपको फिल कर देना है, इसके बाद 0 देखिए तो 0 यहीं पे आपको मिल गया तो इसको भर देना है, 1 है तो आपको यहाँ पे इसको भर देना है जो जिसके नीचे आ रहा कॉलम के नीचे, और 7 है तो आपको यहाँ पे इसको फिल कर देना है। बस इतना आपको करना है मंथ एंड ईयर जो दो आपके रह गए थे। फ्रेंड्स आप देख लीजिए इस तरह की आपको वहाँ पे हमारी सीट मिलेगी और आपको फिल करना होगा। एंड देन जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले होते हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि उनके जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर ओएमआर सीट पे ही भरा जाता है, पत्रक दिया जाता है, बुकलेट दी जाती है, आंसर बुक। तो मान लीजिए आपका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है और उसका आंसर 4 आ रहा है, तो फर्स्ट नंबर का ये देखिए क्वेश्चन हो गया, आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो यहाँ 4 पे आके आपको टिक कर देना है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 6 है, उसका आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन है और इसका आंसर यहाँ पे है 2, तो आपको इसको फिल कर देना है। जो क्वेश्चन नंबर है ये क्वेश्चन नंबर यहाँ दिए हुए हैं और जो उनका राइट आंसर ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस में आ रहा है वही आपको यहाँ पे 1, 2, 3, 4 में जो भी आ रहा है उसको आपको सर्कल कर देना है। तो फ्रेंड्स ये था आपका मंथ और ईयर कैसे लिखना, कैसे करना है। तो ये था आपका ओएमआर शीट को कैसे फिल करना है, कैसे भरना है। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।